अभी तक तो वैसे ही। ड्राइवर जल्दी चलो। साहब आ गए। राय बहादुर वकील साहेब, आखिर बेटी, बिछड़ने का अफसोस तो सबको ही होता है, मगर फालिज ने मुझे 15 बरस से मुआ कर रखा है। मौत, मौत तो मेरे लिए वकील साहेब, मेरी वसीयत पढ़ने से पहले सब रिश्तेदारों को बुलवा लीजिए और ये बात उन सब पर खास तौर से वाजिया कर दीजिए कि मेरे पास ये तमाम घर बार, नौकर चाकर और रस्म और रिवाज सब इसी तरह रहेंगे जैसे मेरी जिंदगी में थे। जी हाँ, ऐसा ही होगा राय बहादुर, आप तसल्ली रखें। रूपा देवी, आपने मुझे बुलाया है? जी हाँ वकील साहब, तशरीफ रखिए, बैठिए। थैंक यू वकील साहब। सोच रही हूँ कि अब मैं यहाँ से चली जाऊँ। मगर आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? राय बहादुर के बाद अब मेरा इस घर से क्या वास्ता रह गया है वकील साहब? आपको तो मालूम है मैं एक यतीम लड़की थी जिसको उन्होंने अपने घर में पना दी, अपनी ही बेटी की तरह पाला। अब नए मालिक आ जाएंगे, उनके दिल में मेरे लिए वो दर्द कैसे हो सकता है जिस घर को आज तक अपना समझती रही उसमें अब बेगाना बनकर न रह जाए। मैं आपके जज्बात को अच्छी तरह समझता हूँ रूपा देवी, लेकिन मेरे ख्याल में अगर वसीयत के पढ़े जाने तक इस घर की देखभाल आप ही करती तो ज्यादा मुनासिब था। उसके बाद उनके वारसों को सौंपकर आप जा सकती हैं। ठीक है वकील साहब, जैसे आप मुनासिब समझे। आपने सब रिश्तेदारों को इत्तला तो कर दी है ना? जी हाँ, राय बहादुर के बड़े बेटे दीवान हुकूमत राय को कलकत्ते तार भेज दिया गया है और तमाम रिश्तेदारों को भी लिख दिया गया है।
कुल्लू में मुंशी धर्मदास को इतला कर दी गई है कि वो राम को लेकर यहाँ चला है। राम तो बेचारा पागल है, वो वसीयत क्या सुनेगा। आप लोगों ने मुझे पंच चुना, पंच परमेश्वर होता है। इस अभागे ने बेईमानी तो छोटी सी की है, पर है तो बेईमानी। क्यों नहीं? इसलिए अपने दिल पे पत्थर रखकर मैं ये फैसला सुनाता हूँ कि मुजरिम रेलू राम तलाफी के तौर पर सारे गांव को हलवा पूरी खिलाए। ऐसा न कीजिए, मैं गरीब आदमी मर जाऊंगा। मेरे भाई, गरीब आदमी भी अगर बेईमानी करे तो वो ईमानदारी नहीं मानी जाती। तुम्हें ईमानदार बनाने ही के लिए ये सजा दी गई है, क्योंकि ईमानदार वो दार है जिसके सामने तहसीलदार, थानेदार, चौकीदार सब पानी भरते। ये तार है। क्या बरखुरदार? बंबई से आपका तार आया है। जरा पढ़ो। खैरियत तो है ना धर्मदास जी? अरे भाई, इसमें घबराने की क्या बात है। आप लोगों को तो पता ही है मेरी शहरी जायदाद का 500 रुपए महीना तार से ही आता है, और हर तार पीछे मैं इसे 2 रुपए इनाम भी दिया करता हूँ। बता दे वही मामला क्या है। राय बहादुर गुलशन राय की मृत्यु हो गई है। मृत्यु हो गई है? आगे पढ़ो। उनकी वसीयत पढ़ी जाएगी, इसलिए राय बहादुर के पोते राम को लेकर फौरन बंबई पहुंच जाओ। राम को लेकर? मगर धर्मदास जी, राम को मरे हुए 5 साल हो गए हैं, आपने उसकी मृत्यु की खबर नहीं भेजी थी? कौन कहता है कि मैंने उसके मरने की खबर नहीं भेजी? हो सकता है कि डाकघर से कुछ गलती हो गई हो। अच्छा, अब आप लोग अपने अपने घर जाइए, मुझे सफर की तैयारी कर। अरे कहाँ हो निहालो? अरे मैं यहाँ हूँ रसोई घर में। क्या हुआ? होगा क्या, राय बहादुर गुलशन राय खुद हो गए हैं। हाँ? वकील ने लिखा है कि राम को लेकर बंबई चले आओ, वसीयत पढ़ी जाएगी। अब बोलो, कर दिया ना मेरे जेल भिजवाने का इंतजाम? मैं कहता ना था कि क्या कहते ना थे, राम के मरने पर तो कहते थे कि कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे राम के नाम का 500 रुपया महीना बंद ना हो जाए। वो सब ठीक है, पर अब कोई ऐसी तरकीब निकालो जिससे मैं बंद ना हो जाऊं। ये कौन सी बड़ी बात है, राम की तस्वीर साथ ले जाओ, किसी भी मिलती जुलती शक्ल वाले को राम बनाकर ले जाना, 25-50 का खर्चा ही तो है ना। क्या समझाया तुमने उन्हें, वो वकील और वो राम के रिश्तेदार क्या सब अंधे हैं? अंधे तो अकल के तुम हो। राय बहादुर ने जब राम को तुम्हारे सुपुर्द किया तो वो 10 बरस का था, आज उस बात को भी 15 बरस हो गए हैं। उन्होंने फिर तो कभी उसे देखा ही नहीं। आया समझ में? समझ में आए ना आए, इसके अलावा चारा भी क्या है। एक बार तुम्हारा कहना माना था तो सफर का इंतजाम हो गया है, दोबारा फिर तुम्हारा कहना मान रहा हूँ, कहीं जेल का इंतजाम ना हो जाए। हाय हाय, जेल जाए तुम्हारे दुश्मन, ये कैसी बातें कर रहे हो। अच्छा अच्छा छोड़ो, मान बांधो, जो होगा सो देखा जाएगा। बस बस बस। अरे ये रोकर क्यों मन छोटा कर रही है, लौट आऊंगा। देख जरा घर का ख्याल रखियो। धर्मदास जी राम राम। राम राम भाई। आपका जाना तो कुछ इतना जल्दी हो गया कि आपको विदा करने का कोई इंतजाम भी नहीं कर सके। बच्ची राम, वो इंतजाम तो बंबई में हो चुका है, अगर लौटूं तो स्वागत का इंतजाम तुम कर लेना। क्यों नहीं। छोटे एक्टरों के सप्लाई का दफ्तर यही है जी? मैं जरा मैनेजर साहब से मिलना चाहता हूँ। मैं मैनेजर साहब से मिलना चाहता हूँ जी। मैं इसी दफ्तर का मैनेजर हूँ, क्या आपको कुछ शौक है बाप का रोल कर सकोगे? नहीं जी नहीं, मुझे तो 2-3 दिन के लिए एक एक्टर की जरूरत है। एक्टर की जरूरत है? लड़के साहब को कुर्सी दो, जल्दी करो। बसी रखिए, बसी रखिए।
वेरी गुड वेरी गुड। आपकी फिल्म कंपनी का नाम? कंपनी का नाम धरमदास ईमान वाला इन कंपनी। वेरी गुड वेरी गुड। सुनने में कंपनी नई मालूम होती है। जी हाँ बिल्कुल नहीं, समझिए कि अभी बोर्ड भी नहीं बना है। वेरी गुड वेरी गुड। आपको किस टाइप का एक्टर चाहिए, बोलने वाला या खामोश? क्या मतलब, सब एक्टर नहीं बोलते? आप गूंगे लोगों को भी दाखिल करते हैं क्या? नहीं साहब, मेरा मतलब है तो डायलॉग बोलने वाला ज्यादा पैसा लेता है और खामोश आर्टिस्ट कम पैसे लेते हैं। जो कुछ भी हो, मुझे तो बोलने वाले एक्टर की जरूरत है। वेरी गुड वेरी गुड। तो ऐसा काम कीजिए, वो टेबल है और एल्बम रखें, जो चेहरा पसंद पड़े वो दे दिए, आपको मिल जाए, समझे ना? यस। आपको नहीं मिल सकता क्योंकि आज वो मॉडर्न स्टूडियो में किशोर कुमार का डबल कर रहा है। डबल की? डबल क्या? डबल का मतलब नहीं समझे? अजी मुझे क्या मालूम, मैं तो पैसा लगाने वाला हूँ। ओह आई सी, वेरी गुड वेरी गुड। आप फिल्म सर हैं, किबला डबल कहने का मतलब ये है कि जब फिल्म में तलवारबाजी का, घोड़सवारी का और चलांग लगाने का और कोई खतरनाक काम हो तो बड़े एक्टर नहीं करते, उनकी जगह पर दूसरे आदमी काम करते, उनको हम कहते हैं डबल। ऐसा? तब तो मुझे भी एक डबल ही चाहिए, काम हमारे यहाँ भी जरा खतरनाक किस्म का ही है। वेरी गुड वेरी गुड। आप मॉडर्न स्टूडियो में जाइए, वहाँ राजपूत रमणी की शूटिंग हो रही है, वहाँ किशन से मिलिए और ये लीजिए उसका पता। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सालिम सिंह के पुस्तक सिपाही हो तुम्हें, अपनी जानकारी ने जो विजय सिंह से मुकाबला कर रहे हो, तुम एक हो हम चार हैं, ईश्वर मेरे मददगार, आओ लड़े। कट कट कट। क्या हुआ अशोक साहब, कितना अच्छा शॉट चल रहा था। कब तक लड़ा दो भाई, थक गया हूँ बिल्कुल, डबल को बुलाना। ओके ओके अंकल। अरे भाई डबल को बुलाओ। सलाम साहब। क्या नाम है तुम्हारा? किशनलाल। समझा दीजिए। देखो भाई किशन, अशोक साहब की तलवार लेके एक जबरदस्त फाइट हो जाएगा। लाइए साहब। तेरा ख्याल रखना, पब्लिक मुझसे तलवार का काम अच्छा चाहती है। आप बेफिक्र रहिए साहब, ऐसी तलवार चलाऊंगा कि पब्लिक समझेगी आप ही तलवार चला रहे हैं। अभी देखता हूँ, ये लो। थैंक यू। कैमरा जरा पीछे ले जाइए। ओके ओके। जरा कैमरा दीजिए, जल्दी जल्दी। मगर ये तो पहचाना जाएगा। अरे भाई इसीलिए तो कैमरा इतने पीछे ले जा रहे हैं ताकि चेहरा अच्छी तरह नजर ना आए। हो बहुत अच्छा किशन, कहीं चोट वोट तो नहीं है? अजी साहब चलता है, तुमने बहुत अच्छा फाइट किया, शाबाश। साहब कुछ डायलॉग बोलने का काम दीजिए ना। हाँ देंगे देंगे। देखो भाई इसे 20 रुपया दे रहा था। अभी दिया जी। अशोक साहब मेरा काम पसंद आया आपको? बहुत अच्छा भाई, इसे मेरी तरफ से 20 रुपया दे देना। अशोक साहब एक्टिंग में आपका जवाब नहीं, फाइटिंग में अपना जवाब नहीं, ये तो मानना ही पड़ेगा भाई। क्यों? आइए अशोक साहब, आइए प्रदर्शन। मेकअप मैन बहुत अच्छे। शुक्रिया। क्या बात है भाई, यही बात है। शुक्रिया। नहीं भाई, तलवारबाजी करूंगा, मुक्केबाजी करूंगा, मगर धोखेबाजी नहीं करूंगा। अच्छा भाई, मैंने तो सोचा था 2-3 दिन की तफरी के तुम्हें ये 1000 रुपए मिल जाए, पर तुम्हारी किस्मत में हड्डी पसली तुड़वाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा
राम राम। तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हारी मदद न करूं तो तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे? अरे भाई, इसी बात का तो जुर्माना भर रहा हूँ। मगर इसमें खतरे की कोई बात तो नहीं है? नहीं बाबा, कोई खतरा नहीं। फिल्म में हीरो हीरोइन का डबल करते हो, यहाँ एक पागल का डबल करना है। दो दिन की तो बात है, वसीयत सुनना और चले आना। अच्छी बात है, तुम जरा उन बातों को फिर से दोहरा दो। अच्छा तो सुनो, राय बहादुर ने अपना 10 साल का पागल पोता राम कुल्लू में मेरे सुपुर्द किया था, क्योंकि उसके माँ बाप मर चुके थे। और जिसके लिए वो तुम्हें 500 रुपए महीना भेजते रहे? हाँ, और फिर 20 साल की उम्र में राम दरिया में छलांग मारकर मर गया। और तुमने राय बहादुर को राम की मौत की सलाह नहीं दी ताकि तुम्हारे 500 रुपए महीना बंद न हो जाए? ठीक कहती हो, आदमी समझदार। मगर तुमसे कम जो 500 रुपए महीना फोकट में ही खाते रहे हैं। भाई, अब क्यों मेरी दुखती नस पर उंगली रख रहे हो? खैर ये तो बताओ, अगर मैं पहचाना गया तो? ओ, पहचाने जाने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। राम को मेरे पास भेजने के बाद वो लोग उसे कभी देखने नहीं आए, और जो थोड़ा बहुत पहचानते भी होंगे तो उन तस्वीरों से जो मैं कभी कभी उन्हें भेजता रहा हूँ, उसकी आखिरी तस्वीर ये है। और फिर तुम क्यों घबराते हो, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ? काफी शक्ल मिलती है, ये तो ठीक है, मगर जब मैंने उसे देखा तक नहीं तो उसके पागलपन की एक्टिंग कैसे करूंगा? पागलपन का क्या एक्टिंग, मन में जो भी ऊट पटांग आए कर देना। हाँ, दो बातों का ध्यान रखना, एक तो राम को कान में देखने की आदत थी, और दूसरे वो सामने वाले को मुंह चढ़ाकर नाचने लगता था। ये मूछ कुछ लंबी है। वो मैं ठीक कर लूंगा। पर ये माथे के दाग का क्या करोगी? अरे यार, मेकअप से दिल के दाग चले जाते हैं, ये तो माथे का है। अभी देखो, कमाल कर दिया, मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गया था कि ये काम तुम ही कर सकते हो। आओ चलो, तुम्हें बाजार से कपड़े पकड़े दिलवा दूं, जरा जल्दी। अरे अरे, पैसे तो लाओ। हाँ, बस 300 और बाकी? अरे बाबा, कौड़ी कौड़ी दूंगा, तुमसे खर्च हो जाएंगे, जो चलो ना आओ। अच्छा भैया, तुम्हारे धर्म ईमान पे छोड़ दिए। धर्मदास जी, ये तो बताइए मुझे वहाँ किस किस का सामना करना पड़ेगा? वो तो मैं तुम्हें रास्ते में बताता हूँ, बस तुम एक ही आदमी से होशियार रहना, वो होगा तुम्हारा चचा दीवान हुकूमत राय। अब वहाँ उसी की हुकूमत चलेगी। अब दीवान हुकूमत राय का हुक्म चलेगा, आया आपके ख्याल में? जी बिल्कुल, अब तो हमारी नजरों में राय बहादुर साहब की मूर्ति आप ही है। क्यों बंधु भाई? हाँ चंदू भाई, अजी कुछ भी कहो, राय बहादुर आदमी खूब थे। हिम्मत जी, पिताजी अब तुम आरा गर्दी छोड़ दो, मेरे पे बड़ी जिम्मेदारी आ गई है और तुम्हें मेरा हाथ बटाना होगा। क्यों नहीं पिताजी, जैसे आपका, यूं तो जिंदगी में कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा। मेरा ही मर्जी है। अजी कुछ भी कहो, राय बहादुर आदमी खूब थे। अजी क्या कहने थे उनके, जबान के कड़वे थे मगर दिल के मीठे थे। क्यों बंधु भाई? बिल्कुल ठीक कहते हो चंदू भाई, हम सब रिश्तेदारों को घर से निकाला था, आज ले था। और फिर हमारा क्या जी, वही मतलब है कि चिड़ी चोंच भर ले गई और नदी में घटो ली। मगर अब पिताजी का जमाना खत्म हो गया, ये सबको मालूम होना चाहिए कि अब ये घर धर्मशाला नहीं बना रहेगा। ये जो पलटन नौकरों की भर्ती की है, 6 माली, 6 ड्राइवर, 4 बावर्ची, दुनिया भर के मसालची, आखिर इन सब पर रुपया खर्च होता है, और ये रुपया मेरा है। वसीयत पढ़ी जाने के बाद मैं ये सब फजूल खर्चा बंद कर दूंगा। बेशक जवान साहब, बेशक। क्यों बंधु भाई? बिल्कुल ठीक है चंदू भाई। बातें इस वक्त
अभी तो राय बहादुर की चिता भी ठंडी नहीं हुई, और फिर उनकी ख्वाहिश थी, उनके बाद नौकर चाकर और सब शानो शौकत वैसी ही रखी जाए जैसे उनकी जिंदगी में थी। रूपा, मेरे पिताजी क्या चाहते थे और क्या नहीं चाहते थे ये मैं ज्यादा जानता हूँ। जब मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत होगी बुला भेजूंगा। राय बहादुर की ख्वाहिश आप तक पहुँचाना मेरा फर्ज था, बाकी आप मालिक हैं। मैं मालिक हूँ अपने हक से, किसी की मेहरबानी से नहीं। बेशक धर्मदास, ये क्या तमाशा है? इसे नहीं पहचाना, आपका भतीजा राम। राम? इस पागल को हिलाने की क्या जरूरत थी? अपनी खुशी से थोड़ी लाया हूँ, तार मिला तो लाना ही पड़ा इस मुसीबत को। तुम आपके पेट से मुसीबत बनकर आया है। पैदा होते इसने अपने माँ बाप का सफाया कर दिया। जो कुछ भी हो दीवान साहब, आपके स्वर्गवासी भाई की इकलौती निशानी है, फिर भी आप कहें तो वापस ले जाओ। चल बेटा। ठीक है, वसीयत पढ़े जाने के बाद वापस ले जाना। बेटा राम, चाचा जी को प्रणाम करो। देखा पिताजी आपने, इसकी कान में देखने की आदत अभी तक कायम है, और 500 रुपए महीने की रकम भी कायम है। ये दूसरी फजूल खर्ची, मैं कहता हूँ जहाँ इतने पागल खाने हैं इसको उनमें क्यों डाल दिया जाए। बिल्कुल ठीक ख्याल है सरकार का। जो आप ठीक समझें, मारेगा मुझे। ये जरा पागल खाने के नाम से डरता है। डरपोक तो ये बचपन से ही था। देखिए तमाशा। जी क्या पिता, बचपन में तो ये डर जाया करता था। पहाड़ों में रहकर जरा ये निडर हो गया। पागलों को डरने से काम नहीं चलेगा, इनके साथ रोब से पेश आना चाहिए। आया आपके ख्याल में? जी पेश। इसको पर कमर ले जाओ, बस ये सुनने वक्त ले आना, वरना मैं तुम्हारी वजह दिखवा दूंगा। चलो चाचा। बदतमीज, नई जगह देखकर जरा बिदक गया है। नत्थू। जी मालिक। इसका बिदकना बंद करो, इन्हें ऊपर ले जाओ। दे दे खुदा के आप प्यारे, हिम्मत है कर देने की। दे दे खुदा के आप प्यारे, हिम्मत है कर देने की। दे दे। तुम लोग सब जा सकते हो। धर्मदास जी, ये रहा आपका कमरा। अच्छा अच्छा राम, आओ आओ। चले बाबा बाबा, फर्स्ट क्लास। क्यों आया पसंद? अरे बहुत यार, जिंदगी तो सिर्फ इन्हीं लोगों की है। फिर तुम भी दो चार दिन जिंदगी के मजे ले लो। अरे क्या मजे ले लो, वो लोग तो मुझे पागल खाने भेजने की सोच रहे हैं। क्या बात करते हो, अच्छे भले आदमी को कोई पागल साबित कर सकता है? मगर यार, तुमने जो काम मुझसे करवाया है उससे मैं तो क्या, मेरा सारा खानदान पागल साबित हो सकता है। तुम घबरा मत। अच्छा ये बताओ, वो आलू बुखारा हुकूमत राय? हुकूमत राय है, आदमी बड़ा अजीब है, बात बड़े रोक से करता है। नशा है गद्दी का। नशा है गद्दी का, इसको वसीयत सुनाने का वक्त लाना, वरना तुम्हारी वसीयत भी लिखवा दूंगा। आया आपके ख्याल में? चुप रहो चुप रहो। अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा ये बताओ, वो असिस्टेंट आलू बुखारा बेटा हिम्मत राय? हिम्मत राय है, नाम बहुत बड़ा है, मगर जब मैंने उसे भक्ति दी ना तो चुपचाप उसके बाप के बगल में घुस गया। ठीक हो जा, कोई आ रहा है। कहाँ है मेरा राम? आइए रहा। अरे मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया है, कितना बड़ा हो गया है मेरा लाल। धर्मदास जी, जब मैं इस घर में आई थी इतना ऐसा था, 10 बरस तक मेरी गोदियों में खेला है। राम, मैं तेरी आया हूँ,
मुझे पहचाना नहीं बेटा? मेरा चांद। बड़ी माँ, बड़ी पहचान लिया, पहचान लिया, पहचान लिया धर्मदास जी, पहचान लिया। क्यों नहीं, बरसों मेरी गोदी में खेला है, अभी तक कान में देखने की आदत गई नहीं। बड़ी माँ, इस आदत की बड़ी कीमत देनी पड़ी है। अभी तक बचपना गया नहीं। अच्छा बेटा, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार करती हूँ। अच्छा अच्छा धर्मदास जी, आप भी आराम कीजिए। अरे भाई, तुम्हारा काम देखकर तो तुम्हारे पैसे बढ़ाने को जी जाता है। छोड़ो भी यार, क्या मुसीबत है, किसी ने मुझे पाला है, किसी ने बड़ा किया है, किसी ने मुझे न जाने इसने क्या किया होगा। रूपा देवी। नमस्ते धर्मराज। जीती रहो। कितनी बड़ी हो गई, कितनी सी को देखा था, अब तो पहचानी भी नहीं जाती, जमाना भी तो गुजर गया। राम भी तो कितना बड़ा हो गया है। राम, मुझे भूल गए? अरे बचपन में हम लोग साथ साथ खेला करते थे। अब नहीं खेलोगी? बिल्कुल बच्चों की सी बातें करता है बेचारा। इसका क्या है, बच्चा तो है। बच्चों और पागलों का एक ही स्वभाव होता है। राम, कोई बात नहीं धर्मदास जी। कोई बात नहीं धर्मदास जी। इसको कुछ आराम आया धर्मदास जी? आज तो कुछ आ ही रहता है। अच्छा, आप लोग लंबे सफर से आए हैं, आराम कीजिए। तू जरूर फंसवाएगा यार, तुमने तो उसका जिक्र ही नहीं किया। जिक्र क्या करता, यतीम लड़की है, राय बहादुर ने पाला पोसा था। भाई वाह, ऐसी गजब की यतीम तो आज तक नहीं देखी। भगवान मुझे भी ऐसा यतीम बना दे। जो ये हरकतें रही तो ये मुरादें भी पूरी हो जाए, समझी? होश में, होश में। ये अरे कौन गया, मर गया क्या? रस्सी से लाया कर बाबा, ये लीजिए सरकार। राधा किसान बोलो, राधा किसान, किसने मेरा बोला। राम को पढ़ ले जाओ और जब वकील साहब ले आना। वकील साहब आ रहे हैं। आ रहे? अच्छा जी। हमारी जमीन जायदाद दीवान साहब, आई एम टू लेट। पारो बेटे। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। माफ कीजिएगा, आज आप लोगों को मेरे ख्याल में मेरा जरा ज्यादा ही इंतजार करना पड़ा। माफ कीजिएगा, सो मच वेटिंग चार्जेस। अच्छा तो मेरे ख्याल में कार्रवाई शुरू की जाए। भला ये भी कोई पूछने की बात है भाई जी? ये जरा विल के मामले बड़े गहरे होते हैं। हेलो सेकंड मान। चंदू भाई, ये बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी का खुल बक्सा। थर्ड वन मेकेश। पहले ही काफी देर हो रही थी और देर पे देर हो रही है, माफ कीजिएगा जरा। बस माफ करना जरा, देर की माफी चाहता हूँ। नमस्कार, दिस इज द विल। एक्सक्यूज मी। माफ करना दीवान साहब, जेंटलमैन, आज की कार्रवाई पोस्टपोन ही करनी पड़ेगी क्योंकि मैं अपना चश्मा जरा घर धुलाया। जी हुजूर की आंखें तो माथे पे लगी हैं। ओह माय गॉड, चंदू भाई, आई एम उल्टू टाइप, आई एम उल्टू टाइप इंसान। बामोश वकील साहब, बुरा ना माने, इसका दिमाग जरा। ओह मैड, आई सी आई सी। अच्छा जी, तो राय बहादुर गुलशन राय की वसीयत यूं है, मन के गुलशन राय खल्फ हकीकत राय खल्फ गणपत राय, बजाते खुद बरजाए खुद बाहोशो हवा से खुद, यूं वसीयत करता हूं
میری دلی خواہش ہے کہ میں اپنی تمام جائیداد منقولہ و غیر منقولہ، زرعی و غیر زرعی، اپنے بڑے لڑکے دیوان حکومت رائے و اس کے لڑکے دیوان ہمت رائے و اپنے چچاؤں، ماموں، بہنوئیوں کے بیٹوں اور پوتوں وغیرہ میں بترتیب، با حیثیت، با رتبہ بانٹ دوں. رشتے کے لحاظ سے میری جائیداد کا بیشتر حصہ میرے بیٹے دیوان حکومت رائے کو ہی ملنا چاہیے اور اس کے بعد اس کے بیٹے دیوان ہمت رائے کو. یہ دونوں باپ بیٹے میری جائیداد کی خوب اچھی طرح دیکھ بھال کر سکتے ہیں، اس کا مجھے پورا یقین ہے. پانی صاحب، شربت لاؤ. شربت دیوان صاحب، واٹر صاحب. مبارک مبارک دیوان صاحب، مبارک. بس اتنی سی بات تھی، مگر باقی پیسے لے لوں گا. کچھ بھی کہو جی، رائے بہادر آدمی خوب تھے. سو مینی بات ہاں جی، تو میں کہاں تھا؟ میں یہاں تھا، یہ دونوں باپ بیٹے میری جائیداد کی خوب اچھی طرح سے دیکھ بھال کر سکتے ہیں. آئی سی، اس کا مجھے پورا یقین ہے. لیکن میں اپنی جائیداد سے ان دونوں و دیگر سب چھوٹے موٹے رشتے داروں کو بے دخل کرتا ہوں. میری جائیداد میں سے ایک پائی بھی نہ دی جائے. ناممکن. معلوم ہوتا وصیت کرتے ہو اپنے ہوش میں نہ تھے. بالکل جی بالکل، بلا یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے. دیوان صاحب، اس وصیت نامے پر شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر کے دستخط موجود ہیں، برائے مہربانی مجھے پورا تو پڑھ لینے دیجئے. میں جائیداد ان کے نام اس لیے نہیں چھوڑ رہا ہوں کہ یہ سب میرے روپے کی خاطر میری موت کے لیے منتیں مانتے رہے ہیں، جادو ٹونے کرواتے رہے ہیں. میں اپنی جائیداد انہیں دینا چاہتا ہوں جنہیں میرے روپے میں کوئی دلچسپی نہیں. میں اپنی آدھی جائیداد اپنے بے سہارا اور پاگل پوتے رام کو دیتا ہوں، جسے ہوش ہی نہیں کہ روپیہ کیا ہے، اور آدھی جائیداد اپنی پالی ہوئی بیٹی روپا کو، جو روپے سے زیادہ انسان کی قدر کرتی ہے اور جو بنا کسی لالچ کے میرے آخری دم تک میری سیوا کرتی رہی. خاموش، پلیز لسن، پلیز. تھینک یو. یہ جائیداد روپا کو اس کی شادی کے موقع پر دی جائے، رام کے ہوش و حواس ٹھکانے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے حصے کی دیکھ بھال بھی روپا ہی کرے گی. دونوں میں سے ایک کی موت ہونے کی صورت میں دوسرا پوری جائیداد کا وارث و مالک قبول کیا جائے گا. دونوں کی موت کی صورت میں یہ جائیداد میرے باقی تمام رشتہ داروں میں بترتیب، با حیثیت، با رتبہ بانٹ دی جائے، بقلم خود گلشن رائے رائے بہادر. کیا بکواس ہے یہ، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں ضرور کوئی سازش ہے چندو بھائی. بالکل ٹھیک کہا بندو بھائی، یہ بالکل ناممکن. خاموش پلیز. جی دیوان صاحب، یہ وصیت نامہ میرے سامنے لکھا گیا تھا. اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کچہریوں کے تمام دروازے کھلے ہیں، دی کورٹس آر اوپن. میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے، سر سیتارام جی مر گئے ہیں، مجھے ابھی ان کی وصیت بھی پڑھنے جانا ہے. آئی ایم ناٹ اے آرڈینری مین، معمولی پلیڈر نہیں ہوں دیوان صاحب. مائنڈ مگر رائے بہادر آدمی دیوان صاحب، اب کیا ہوگا؟ یہ وصیت نامہ تو اپنی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا. چاچا جی، میں اتنا بڑا بوجھ کیسے اٹھا سکوں؟ گھبراؤ نہیں، ہم جو تمہارے ساتھ ہیں تمہارا بوجھ پٹانے کے لیے. رائے بہادر کچھ بھی لکھ گئے لیکن یہ گھر آپ ہی کا ہے، مجھے اپنے بیٹے کی طرح سمجھے. اس میں کیا شک ہے، ہم تو ہمیشہ تمہیں اس گھر کی بیٹی سمجھتے رہے.
पर तुम तो जानती हो मेरे पिताजी तुम्हें कितना प्यार करते थे। घबरा नहीं। अच्छा जी हमें आज्ञा दीजिए। चाचा जी के पैर छू। धर्मदास ये मेरे भाई की आखिरी निशानी मेरा बच्चा है इस घर की रोशनी अब मैं इसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगा। वो तो ठीक है पर डॉक्टर का कहना है कि इसे कुल्लू की आब हवा माफिक है। कुल्लू कुल्लू हाँ 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 और अब तो ये वहाँ का आदी भी हो चुका। धर्मदास हमारे पास कमी किस चीज की है हम तो बम्बई में कुल्लू बना सकते हैं और फिर अब तो इसकी देखभाल मैं खुद करूँगा। जैसी आपकी मर्जी। वैसे तो मुझे इसे अकेले छोड़ते हुए बड़ा दुख सा होता है। 15 साल तक साथ रहे ना फिर भी मैं भागू गाड़ी का वक्त। मैं भी भागूंगा गाड़ी का वक्त हो गया। धर्मदास जी आप भी यही रहिए ये आपसे बहुत हिला हुआ है ना। रूपा देवी पागल का क्या है जो हिला है उसी से हिल जाता है आपसे भी हिल जाएगा। धर्मदास रूपा ठीक कहती है तुम यही ठहरो राम को उसके कमरे में ले जाओ ऊपर। अच्छा जी हम तो कुल्लू जाएंगे दूध बताशा खाएंगे हम तो कुल्लू जाएंगे। बहुत अच्छे मुझे फंसा कर खुद चल दिए थे। जरा धीरे बोल भाई जरा धीरे बोल भाई जरा सोचो हम में से एक निकलेगा तभी तो दूसरे को निकालेगा वरना दोनों ही फंसे रहेंगे। फंसे कैसे रहेंगे मैं तो आज ही जा रहा हूँ। तुम तो आज ही जा रहे हो पर तुम्हारा चचा जाने देगा तब ना। जाने कैसे नहीं देगा मैं क्या उसके बाप का नौकर हूँ। बाप के नौकर ना सही बाप के वारिस तो साबित हो चुके हो। मुझे कौन वारिस साबित करेगा मैं तो उम्र भर लावारिस रहा हूँ। जल्दी से पैसे निकालो और कान खोल कर सुन लो कि मैं आज ही रात को वापस जा रहा हूँ। जाओ पुलिस वापस ले आएगी। पुलिस तो और क्या कल किसी अखबार में पढ़ लेना एक पागल करोड़पति खिड़की में से भाग रहा था पुलिस पकड़ कर वापस लिया। मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा कि मैं राम नहीं हूँ। बहुत अच्छी अरे मूर्ख पुलिस को भी यही साबित करना है कि तू राम नहीं है इसी बात पर 7 साल चक्की पीसना जेल। मगर तुम तो वादा करके लाए थे कि खतरे की कोई बात ही नहीं है। मेरे वादे से क्या होता है मैं कोई लाट साहब का साला हूँ। मैं खुद फंसा हुआ तो तुम्हारा मतलब है मैं यहाँ सारी उम्र पागल बना रहा हूँ। अरे ये मैंने कब कहा अभी मामला गरम गरम है कोई तरकीब सोचेंगे और मौका मिलते ही निकल भागेंगे। नहीं नहीं मैं अब किसी हालत में भी पागल बनने को तैयार नहीं। ओ समझे पागल बनना तुम्हारी आदत हो गई। हाँ भाई पागल तो मैं उसी दिन बन गया था जिस दिन तुमने मुझे नोटों की झलक दिखलाई थी आज मैं उसी का फल भोग रहा हूँ। आइए दीवान साहब मैंने कहा रात कैसी कटी। चंदू भाई अब रात का क्या सवाल है अब तो ये सोचो जिंदगी कैसे कटेगी। हाँ दीवान साहब राय बहादुर तो अपनी मौत से मरे मगर हमें तो बेमौत मार गए। अजी कुछ भी कहो राय बहादुर आदमी खूब थे। रूप आ रही है आप लोग खड़े हो जाए। बैठो। ये क्या आप लोग मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं। और तो इज्जत करना इस घर का रिवाज है। बुजुर्गों की इज्जत करना ये भी तो इस घर का रिवाज है। आप मेरे बुजुर्ग हैं तशरीफ रखिए। राम भैया ने ताली नहीं बजाई। राम आओ नाश्ता कर लो। नाश्ता नाश्ता कहाँ है किधर है किधर है। नाश्ता मेज पर है। नहीं मन के राम बरजाए खुद बहोशो हवास खुद वसीयत करता हूं
कि नाश्ता जमीन पर बैठ कर किया जाए। चलो राम, ऊपर चलकर बैठ। वसीयत के सफा दो दफा नौ की रूह से आधी जायदाद का मालिक मैं हूं, इसलिए आधे रिश्तेदार नीचे आ जाएं। आओ भाई, अब नीचे बैठे। क्या मुसीबत? चाय नहीं लगा। वो धरमदास वहां क्यों बैठा है? धरमदास, तुम भी यहीं आ जाओ। दीवान साहब, मैं नौकर आदमी, मालिकों की बराबरी कैसे कर सकता हूँ? मैं यहीं थी। क्यों? जब ये ऐरे गैरे नथू खैरे मालिकों के साथ बैठ सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बैठ सकते? फौरन चले आओ। अजी कुछ भी कहो, राय बहादुर आदमी खूब थे। खाले खाले मोरे राजा, खाले खाले मोरे मोरे। रूपा देवी, वकील साहब का टेलीफोन आया है। है? वकील साहब का टेलीफोन? धरमदास तुम भी जाओ, कहीं रूपा मेरी जायदाद भी हड़प न कर जाए। आखिर 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 जायदाद का मामला है ना। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। धरमदास तुम चले ही जाओ। ऐसा? जल्दी आना। धरमदास जल्दी आना। इधर आओ, इधर आओ। तू पागल है ना? और हम ऐरे गैरे नत्थू खा रहे हैं? वो जो कहीं का सबके सामने बेइज्जती करता है। रूपा नहीं, रूपा रूपा, इन लोगों ने मुझे मारा। रूपा धरमदास, क्या है? तुम चुप रहो। धरमदास क्या हुआ? इन चोरों ने मुझे मारा। मारने की क्या बात? रूपा इसे मार कौन रहा? मैं तो इसे प्यार कर। बेटा इसे मारना नहीं कहते, इसे प्यार कहते। हम तो बहुत प्यार करेंगे। प्यार कहते हैं तो मैं भी प्यार करूंगा। कोई बात नहीं, पागल है बच्चों, कोई फर्क नहीं। मैं सबसे प्यार करूंगा, मैं सबसे प्यार करूंगा। मैं मुटल्ले को, मैं रोमियो को प्यार करूंगा। अरे किधर गए, किधर गए? मैं छोटी भाभी से प्यार करूंगा। ये क्या है? अंडा। अंडा कहाँ से आया? मुर्गी से। तो मुर्गी कहाँ से आई? अंडे से। अंडा कहाँ से आया? मुर्गी से। तो मुर्गी कहाँ से आई? अंडे से। अंडा मुर्गी, मुर्गी अंडा। गड़बड़ अंडा, गड़बड़ मुर्गी। अरे गड़बड़ अंडा। अरे 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 ये तो पागल है। पहले मुर्गी, पहले मुर्गी सुई थी के अंडा, जरा सोच के बताना। हाँ जरा सोच के बताना, जग में पहले गड़ा किसका झंडा, जरा सोच के बताना। हाँ जरा सोच के बताना। नकली चेहरा, नकली चेहरे पे झूठी हंसी। अरे ऊपर वाले तेरे ही कारण जान मेरी मुश्किल में फंसी, जान मेरी मुश्किल में फंसी। पहले मुर्गी, पहले मुर्गी हुई थी के अंडा, जरा सोच के बताना। हाँ हाँ हाँ, जरा सोच के बताना। हाँ
महफिल में आके दिखाते हो प्यार। आज जान गया हूँ दिल में तुम्हारे, उठते हैं कैसे कैसे विचार, उठते हैं कैसे कैसे विचार। फोड़ दूंगा तुम्हारा भंडा, जरा सोच के बताना, जरा सोच के बताना। पहले मुर्गी हुई थी के अंडा, जरा सोच के बताना, सोच के बताना। वेद में देखा समझ में कुछ भी आ न सका, दुनिया का ये चक्कर क्या है कोई हमें बतला न सका, कोई हमें बतला न सका। पहले मुर्गी हुई थी के अंडा, जरा सोच के बताना, जरा सोच के बताना। पहले मुर्गी हुई थी के अंडा, जरा सोच के बताना, सोच के बताना। छोकरा और गज भर की जुबान, क्या हम सब चोर हैं, बदमाश हैं? तुम भी किसकी बात का बुरा मान गया बंधु भाई? अरे वो तो पागल है, पागल पागल है तो पागल खाने में जाकर रहे, घर के नौकर चाकरों के सामने दीवान साहब की बेइज्जती करके रख दी। मैंने कहा दीवान साहब आखिर आप किस सोच में पड़ गए हैं? मैं ये सोच रहा हूँ चंदू भाई, क्या इस वसीयत से भी कुछ फायदा उठाया जा सकता है? वसीयत के मुताबिक ये जायदाद रूपा को शादी के बाद ही मिल सकती। जी हाँ, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है चंदू भाई, बहुत फर्क पड़ता है। आप लोग मेरे साथ रहिए, फिर देखिए, इस दौलत को मैं अपने हाथ से किसी सूरत से नहीं जाने दूंगा। अजी बेफिक्र रहिए, हम सब तो मरते दम तक आपका साथ देंगे। मगर कुछ हमारा भी ख्याल रखिएगा, हम लोग भी उम्मीदें लेकर आए थे। बेफिक्र रहिए, काम बन जाए आप लोग सब मेरे साथ फायदा उठाएंगे, मुझे सबका ख्याल है सब। हाँ पिताजी फरमाइए, आप मुझसे कौन सी जरूरी बात करना चाहते हैं? बताता हूँ, चलो बैठो। तुमने अपने दादा की वसीयत सुनी है ना? जी हाँ सुनी, अगर वो मर नहीं गए होते तो मैं उनकी तबीयत साफ कर देता। हुकुमत, जो मैं कहता हूँ वो सुनो। फरमाइए। अगर तुम चाहो तो अब भी करोड़पति बनने का एक रास्ता है। वो कौन सा पिताजी? तुम रूपा से शादी कर लो। शादी रूपा से? बिल्कुल, सारी खोई दौलत हमारे पास वापस आ जाएगी। पर पिताजी, अव्वल तो मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं, और फिर ना ही मुझे रूपा से कोई मोहब्बत है। यह शादी ना तो मोहब्बत के लिए करनी है और ना दिलचस्पी के लिए, यह शादी सिर्फ रूपा की दौलत पर कब्जा करने के लिए और वसीयत की शर्तें पूरी करने के लिए। उसके बाद तुम जैसी जिंदगी बसर करना चाहो कर सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं। यह बात है, मतलब ये कि करोड़पति बनने के लिए मुझे रूपा का पति बनना होगा? बिल्कुल। पर पिताजी, अगर रूपा मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हुई तो?
क्या बच्चों में से बातें कर रहे हो? रूपा एक भोली लड़की है, थोड़ी सी हमदर्दी, कुछ मोहब्बत का इशारा उसे तुम्हारी तरफ खींच सकता है, बाकी तुम्हारी कोशिश और अकबे मुनसर है। क्या कर रही हो रूपा? ओ, तितलियां पकड़ रही हो? हाँ। ये काम तो हमसे सीखो। तुम्हें तितलियां पकड़नी आती है? ये कौन सा मुश्किल काम है? जरा चाल डालना आना चाहिए। ला ला, मैं पकड़ के बताता हूँ। अरे अरे, मालूम होता है कोई बड़ी तितली फंस गई है। मैं तितली मैं रंग बिरंगी तितली, मैं नीली पीली तितली, ये हिम्मत वाली तितली। क्यों आप फंसा मेरी जाल में? ताकि कोई और न फंस सके। भाग यहाँ से। नहीं भागता। नहीं जाता। नहीं जाता। मैं ये देख रहा था तुम यहाँ बैठी इस बाग की मलिका दिखाई दे रही हो, और ये फूल और पौधे तुम्हारी रियाया नजर आ रहे हैं। और तुम? मैं तुम्हारा गुलाम। चिड़िये का या हुक्म का? चिड़िया आ गया। ये क्या कर रहा है? मैं बड़े भैया के पैर दबा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, दबा दबा। हिम्मत बाबू, देखो इस बागीचे में कैसे कैसे सुंदर फूल खिले। लेकिन मैं तो किसी और ही फूल को देख रहा हूँ रूपा। इस फूल को? इस फूल को? ये खुशामत की तुम्हें कुछ नई आदत आती जा रही है। क्या करूँ रूपा, खुशामत से आमद है। अरे अरे, ये क्या कर रहा? तुम्हारी जड़ों में पानी दे रहा हूँ ताकि तुम पौधे की तरह ऊँचे उठ जाओ। उसने बूट के तस्मे बांध दिए। ये खून निकल रहा है। थोड़ी सी खराश। तुम बैठो, मैं टिंचर लाती हूँ। इधर आ। नहीं, तुम मेरे को मारोगे। नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं मारूंगा। तुझे माफ किया। चवन्नी लेगा? चवन्नी? नहीं। अठन्नी? अठन्नी? नहीं। रुपया लेगा? लाओ ना। भूल गई के? उठो और बहादुर की तरह एक रुपए के दो रुपए वापस करो। नहीं 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 नहीं, अगर मैं एक के दो दो वापस करूंगा तो करोड़पति से कंगालपति हो जाऊंगा। अच्छा, तो तुम ही वो पागल करोड़पति हो? बहुत ज्यादा चोट आई है क्या? घबराओ नहीं रूपा, हिम्मत बाबू इसे घूसा मार के भाग गया है। तो तुम उसकी मारदारी कर रही थी? राम, ये मीना है, हमारी पड़ोसन है। इतनी अच्छी पड़ोसन, इतने दिन कहाँ मर गई थी? ये इसकी नमस्ते करने का तरीका है। पगला है ना? तुम तो कहती हो ये पगला है, मगर नमस्ते तो सियाने से भी अच्छी करता है। मुझे ऐसे बात पसंद है। ओहो, यानी आप जिंदा हैं? मैं सुन रहा हूँ तुम मर चुके हो। ओहो, दीवान साहब बोल रहे हैं, आपको कैसे शक हुआ? भाई, शक होने की बात ही है, मुझे यहाँ आए हुए 2 महीने हो गए और आपके अभी तक 2 मिनट के दर्शन नहीं हुए। अजी क्या बताऊँ दीवान साहब, मैं तो मुसीबत में फंस गया। मेरी फिल्म का एक आर्टिस्ट था किशन, न जाने कहाँ मर गया। तमाम शूटिंग का प्रोग्राम गड़बड़ हो। भाई सुनो, मैं कुछ बकवास सुनने तैयार नहीं हूँ। आप पार्टी में आ रहे हैं कि नहीं? अजी दीवान साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? रूपा का जन्मदिन हो और मैं ना हूं, बस अभी पहुंचा। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। रूपा कहाँ है चाचा जी? अभी आती है। धर्मदास जी, जी आप लोगों को बताओ। आइए जी, आइए। नमस्ते जी। नमस्ते। शुक्रिया। नमस्ते। हिम्मत कहाँ है? जी
वो रूपा को तोहफा पेश करने ऊपर गए हैं, प्रोग्राम के मुताबिक उन्हीं का तोहफा पहले पेश होना चाहिए ना सरकार। दरअसल तो वो अपने आप को पेश करने गए हैं। मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। जन्मदिन मुबारक हो रूपा, मेरी तरफ से ये नाचीज तोहफा कबूल। अरे पसंद आया? ये तो बहुत खूबसूरत है हिम्मत बाबू। तुम जिस चीज को छू देती हो रूप वही खूबसूरत हो जाती है। और तुम जिस चीज को छूते हो वो बदसूरत हो जाती है। ये देखो इनके हाथ कितने मैले हो गए, लाओ पहुंच दूं। इस मुसीबत को बाहर निकाले यहाँ से रूपा, वरना फिर मैं इसकी थोड़ी तोड़ दूंगा। नहीं नहीं हिम्मत बाबू, इस पागल पर क्या गुस्सा। राम जाओ नीचे जाकर देखो मेहमान आए हैं क्या, जाओ तो। मैं साफ जानता हूँ, इसे मना कर दो रूपा वरना मैं। वरना क्या, न गुस्सा करने देता न प्यार करने देता। इसे प्यार कर लेने दो ना हिम्मत बाबू। राम आओ प्यार कर दो। लो प्यार कर लो। क्या ये तो मुस्कुराता भी नहीं। मुस्कुराइए हिम्मत बाबू, इसका दिल बह जाए। रूपा जी क्या तुम पागलों की तरह बातें कर रही हो? मुस्कुराइए ना। अब मुझे मालूम हो गया कि तुम मुझे पसंद करते हो। करते हो ना? बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा ये बता तुम मुझे ज्यादा पसंद करते हो या रूपा को? तुम्हें? मुझे? तो फिर ये साड़ी मुझे दे दो। ये क्या बता, मुझे साड़ी दो राम। नहीं दूंगा, पहले गा बाबा साड़ी दे। साड़ी दे दो राम, राम साड़ी दे दो। डोंट माइंड अंकल, इसका तो जरा दिमाग ही दीवान साहब का है। क्या बेहोश किया ये? मालूम है मेहमान आए हुए? बदतमीजी बंद करेगा नहीं? चल अरे चुप करे बैठे रहो, समझे? कहिए दीवान साहब कैसे मिजाज है? हाँ आ जाए बहादुर जी। हमने ये क्या किया, सारे बात सफर कर डाले। अब आपसे क्या बताऊं दीवान साहब, फिल्म लाइन का काम ही कुछ ऐसा है। अब देखिए ना, हमारे यहाँ एक लड़का अशोक कुमार के डबल का काम कर रहा है, 2 महीने से न जाने कम वक्त कहाँ मर गया और फिल्म का सारा काम बन गया। ओ भारद्वाज जी, काम धंधा तो जिंदगी भर का झंझट है, कभी कभी तो अपने दिमाग को आराम किया करो। जब देखिए स्टूडियो के अंदर। अरे क्या हुआ? किशन? किशन नहीं, राम है। क्या बात है भारद्वाज जी? कुछ नहीं दीवान साहब, कुछ ऐसा मालूम होता मैंने इसे कहीं। तो मेरा पागल भतीजा राम है। अच्छा, अजीब बात है। राम यहाँ। भारद्वाज जी को नमस्ते करो। जीते रहो जीते रहो। बचपन से पागल है। अच्छा तो आपके शहर में राम एक बहरूपिया है? ये पता लगाना तो आपका काम है, जो मेरे दिल में शक पैदा हुआ वो मैंने आपको बता दिया। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता कि आज तक मुझे कभी धोखा नहीं दिया। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने सब पॉइंट्स नोट कर लिए हैं, मैं आज ही तहकीकात शुरू कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, तो अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। रूपा, घर में जब भी तुमसे बातें करने की कोशिश की वो पागल हमेशा बीच में अटकता है। वो बेचारा अपने होश में थोड़ी है। खैर आज मैं बहुत खुश हूँ।
तुमसे जी खोलकर बातें करने का मौका मिलेगा। मैं, तुम और बस। इसने कहाँ रखी है? नेशनल पार्क में। बड़ा मजा आएगा। वहां मैंने कुछ दोस्तों को भी बुलाया है। उनमें से एक तो बहुत अच्छा गाता है। गाना तो ठीक है, मगर खाने का क्या इंतजाम किया? फर्स्ट क्लास। तुम्हें जो जो चीजें पसंद आती हैं, सब चीजें मंगवाई। मतलब? मसलन बादाम का हलवा, क्यों पसंद है ना? हाँ। नागपुर के संतरे, आलू के पराठे, साथ में नींबू का अचार। अच्छा। हर चीज तुम्हारी पसंद के साथ मिलाया। अरे ये क्या, चाय पंचर हो गया शायद। टायर तो सब ठीक है, फिर ये आवाज कहां से आई? अरे तू अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता, बोल टायर के बाद क्यों निकाले? ये तो टायर है, ज्यादा गड़बड़ करोगे तो मैं तुम्हारी हवा में निकाल दूंगा। रूपा, पागलों की बातें मुझे क्या गुस्सा? मुझे बहुत प्यास लगी, पानी है? हाँ है, ठंडा पानी, बर्फ का पानी, मैं भी थर्मस से लाता हूँ। पानी है? सड़क पर धूल उड़ती थी, मैंने छिड़काव कर दिया। अरे और ये खाने का क्या हुआ? सड़क पर भूखे कुत्ते दौड़ रहे थे, मैंने उन्हें खिला दिया। बचाओ बचाओ, मुझे ताकत से बचाओ, मुझे ताकत से बचाओ। आखिर माजरा क्या है? मैं आपसे क्या बताऊं पिताजी, राम ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया। क्या हुआ कुछ बता तो सही। बात यह है कि जब भी मैंने रूपा से अकेले मिलने की कोशिश की, उसने हमें शरण में भंग डाला। लाचार होकर आज जब मैं उससे बाहर पिकनिक पर ले गया, वो कंबक भी वहां आ चुका। मैं आपसे बयान नहीं कर सकता पिताजी उसने वहां क्या क्या हंगामा किया। और तू एक पागल पर काबू नहीं पा सकता? उसका पागलपन मेरी समझ में नहीं आता पिताजी, पता नहीं उसे कैसे मालूम हो जाता है कि मैं रूपा से कब मिलने वाला हूँ। कोई बात नहीं, इसका भी इंतजाम किया देता हूँ। जाओ कपड़ा बदलो। बहुत अच्छा। हाँ फिर? फिर क्या, जब दीवान हिम्मत राय टीचर से निकले तो उनकी सूरत देखने लायक थी। बड़ी अजीब नजर आती हूँ। अजीब क्या, लंगूर मालूम होता। क्यों भाई दरवाजा क्यों बंद कर रहा हो, क्या तकलीफ है तुम्हें? दीवान साहब ने इस कमरे के सब दरवाजे बंद करने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा है कि राम बाबू को दिन में दो चार घंटे आराम मिलना चाहिए। राम को आराम चाहिए और मुझे भी? जी हाँ, उन्होंने आपको भी राम बाबू के साथ ही ठहरने को कहा है। मैं पूछता हूँ ये दीवान क्या इस घर का जेलर है? छोड़ो दरवाजा। हाँ अब बंद कर लो दरवाजा, मेरा मतलब था खोल के बंद करो ताकि अच्छी तरह बंद हो जाए। लो मैं खुद बंद कर लेता हूँ। भैया ताला मार दो। ये क्या चाल है धर्मदास, कुछ समझ में नहीं आता। मेरे ख्याल से दाल में कुछ मैंने कहा था ना दाल में कुछ काला है। अरे यार तुम दाल को रो रहे हो, यह आत्मा भुरता होने वाला है।
समझ में नहीं आता कि हमें बंद क्यों कर दिया। ताकि जाल डालने में कोई रुकावट न हो। क्या हम पकड़े गए? पकड़े भी गए हैं और जकड़े भी गए हैं। न जाने किस बुरी घड़ी में घर से निकला था। दोबारा निहालों का मुंह देखना किस्मत में लिखा है या नहीं। शुक्र है जाज मुजीराम कहीं नजर नहीं आता। आप उससे इतना घबराते क्यों हैं? क्या कह रही हो रूपा, पागल से कौन नहीं घबराता। और फिर तुम देख तो रही हो, उसने नाक में दम कर रखा है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वो मेरी और तुम्हारी मुलाकात से गम खाता है। पागल क्या गम खाएगा? तुम नहीं जानती रूपा, ये पागल कई बातों में बड़े सयाने होते हैं। अच्छा? हाँ, हो सकता है वो तुमसे प्रेम करता हो। डॉक्टर साहब, राम हिल रहा है। हाँ, इंजेक्शन का असर हो रहा है, अभी होश आ जाएगा। ये दर्द कैसा? तुम बालकनी से गिर गए थे राम। बालकनी से? हाँ राम, बालकनी से। हाँ, जब हिम्मत रूपा को बाग में लिए जा रहा था तब मैं ऊपर से देख रहा था। उस वक्त राम राम, ये कैसी बातें कर रहे हो आज? डॉक्टर, ये तो बिल्कुल ठीक ठीक बोल रहा है। मैं भी यही देख रहा हूँ। हो सकता है कि चोट से इसका दिमाग ठीक हो गया हो। क्या ये ऐसा हो सकता है डॉक्टर? हाँ, अक्सर ऐसा हुआ है रूपा देवी। रूपा राम, तुम्हें हिम्मत बाबू और बाकी रिश्तेदार मिलकर हम मिलकर मुबारकबाद देना चाहते हैं। राम, होश में आओ, होश में। होश? हाँ यार, होश में आओ, नहीं मैं बेहोश हो जाऊंगा। मुझे तो लगता है ये बिल्कुल ठीक हो गया है। राम, आंखें खोलो भाई, आंखें खोलो। ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। राम, आंखें खोलो। मेरा हाथ। घबराओ नहीं, हाथ टूट गया है मगर दिमाग जुड़ गया है। सर पर चोट लगने से तुम्हारा पागलपन ठीक हो गया है। पागलपन ठीक हो गया है? हाँ हाँ। यानी अब मुझे पागल? अरे यार, तुम आराम चोरी करते बोले जा रहे हो, मेरे सर भी चक्कर आए। जैसे नर्स, इन्हें बाहर ले जाओ। जाओ भाई जाओ। लीजिए, एक होश में आया, दूसरा बेहोश हो रहा है। डॉक्टर, ये तो घर में बहुत दिनों से हो रहा है। आप लोग कौन हैं? ये इसके अच्छे हो जाने की पक्की निशानी है। इसको पिछली बात कोई भी याद नहीं रहेगी। मैं कौन हूं तुम जानते हो? कुछ कुछ पहचानता हूं। ये तो ठीक हो गया बंधु भाई। अरे ठीक क्या, बिल्कुल ठीक हो गया चंदू भाई। ओ राम, तुम राम हो, इस घर के मालिक। मगर तुम कौन हो? इस घर की मालकिन है भाई। हाँ भाई, यानी कि मेरी बीवी। मेरा ख्याल है इन्हें आराम की जरूरत है, आइए हम लोग चलें। डॉक्टर साहब, राम के लिए एक नर्स मुकर्रर कर दीजिए। हाँ, नर्स की क्या जरूरत है, मैं इसकी देखभाल करूंगी। क्या कह रही है रूपा, ये तुम्हारा काम नहीं, नर्स का काम है। क्यों पिताजी? चटा चलो रूपा। नहीं नहीं, तुम मेरे पास रहो। घबराओ नहीं, मैं ही तुम्हारी देखभाल करूंगी। थोड़ी देर सो। बस बस, अब और नहीं, ज्यादा खा लूंगा तो डबल बीमार हो जाऊंगा। अच्छा बाबा। नाश्ता खत्म, अब स्कूल का वक्त हो गया।
सब स्कूलों में क्या मास्टर ऐसे ही नाश्ता करवा के पढ़ाते हैं? ये खास बच्चों के लिए है। ओ, खास बच्चों के लिए खास मास्टर। देखो पढ़। आ, आ। हा, हा। हा, हा नहीं अ आ ई ई ई ई इधर देखो उ उ उ उ उ उ उ उ ये बार बार है कहाँ से आ जाता है? दिल से। पढ़ाई दिल से नहीं होती। तो क्या फेफड़े से होती है? दिमाग से होती है। अभी सिर्फ तुम मुंह से बोलो। दिल से? बाद में जब तुम कविता पढ़ो। तो फिर कविता ही पढ़ा? नहीं नहीं अभी जो तुमने पढ़ा उसे लिखना है। आ, आ तुम लिखो। आ, 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 राम राम हेलो राम कैसे हो राम? अच्छे हो गए तुम? कौन हो तुम? अरे अच्छे होते तुम अपनी मीना को भूल गए। इससे तो तुम पागल ही अच्छे थे। कम से कम पहचानते तो थे। तो क्या मैं पागल भी था? हाय तुम ये भी भूल गए कि हिम्मत तुम्हें किस बेदर्दी से मारता था और मैं तुम्हें बचाया करती थी। माफ करना मीना मुझे ये सब बातें किसी ने बताया ही नहीं। हाँ ये सब क्यों बताएंगे? हमारी दोस्ती लोगों की आंखों में खटकती जो है। अरे दोस्ती? तो क्या हम दोनों दोस्त भी थे? हाय राम अच्छे होते तुम्हें क्या हो गया है? कुछ भी याद नहीं आता। तुम लोगों को ईंटें मारा करते थे। ईंटें? हाँ मेरे सिवा तुम्हारे पास कोई नहीं आता था। ये देखो ना तुमने मेरी टांग पे भी ईंट मारी थी। रहने दो पागलपन में मार दी होगी। जो भी आता है यही कहता है कि मैंने पागलपन में तुम्हारी बड़ी सेवा की है। वो सब होंगे तुम्हारी दौलत के भूखे। अच्छा और तुम हो मेरे प्रेम की भूखी है ना? मुझसे पूछते हो ऐसी बातें? मुंह से नहीं कही जाती दिल से महसूस की जाती है। ओह आई एम सॉरी। आइए आइए डॉक्टर साहब। आ रूपा मैं तो जरा राम की तबीयत पूछने चली आई थी। अच्छा राम मैं जाती हूँ। आज तो तबीयत बहुत अच्छी जान पड़ती है। वो तो सब ठीक है डॉक्टर साहब लेकिन अब घर में बैठे बैठे जी उठता गया। नहीं नहीं तुम बहुत अच्छे हो घूम फिर सकते हो। हाँ रूपा जरा इन्हें घुमाओ फिराओ सैर कराओ। आओ राम। ओके माई बॉय।
छेड़ो दिल के तार मुंह से तो बोलो मेरे यार टू टू। क्यों धर्मदास, बीमार हो क्या? कुछ सोच रहा हूं। सोचा मत करो, सोचना अकलमंद आदमियों का काम है। पर मैं कोई अकल की बात नहीं सोच रहा, मैं सोच रहा हूं ये लड़की रूपा कितनी अच्छी है। भाई वाह, बड़ी गजब की लड़की है, देखने में सुंदर, बोलने में सुंदर, इतनी भोली और नेक दिल की बस क्या कहूं। धर्म से धर्मदास, मैं बड़ा ही किस्मत वाला हूं। और वो क्या है? वो रुक क्यों गए? तुम तो किस्मत वाले हो, पर वो कितनी बदकिस्मत है जिसे प्रेम के बदले में मिला है तुम जैसा धोखेबाज और बहुरूपिया, जो 3 दिन के लिए भाड़े पर लाया गया था और अब प्रेम का दाना डालकर रूपा की जायदाद पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहा है। धर्मदास, ये बकवास है, बिल्कुल झूठ है कि मैं उसकी जायदाद पर कब्जा करना चाहता हूँ। अच्छा, तो फिर रूपा से शादी करने के बाद क्या ये जायदाद खैरात करने की सोच रहे हो? मैंने कभी उसकी जायदाद के बारे में नहीं सोचा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। और फिर तुम कौन से साधु हो? किशन, मुझे चोर कहकर तुम बेगुनाह नहीं हो सकते। मैंने जो कुछ किया है पेट की खातिर, किसी मासूम का दिल नहीं तोड़ा। मगर मैं रूपा को सच्चे दिल से मोहब्बत करता हूँ। लेकिन उसे जब तुम्हारी असलियत का पता चलेगा तो ये मोहब्बत नफरत में बदल जाएगी। सोचा है कभी तुमने? धर्मदास, मैंने उसे कई बार बताने की कोशिश की लेकिन बताया नहीं, इस डर से कि कहीं वो तुमसे मुंह ना मोड़ ले। किशन, मैं आज तक तुम्हारा रूपा का मेल जोल खेल समझ कर टालता रहा, पर मुझे पता नहीं था कि तुम नकल को असल समझ बैठोगे। वैसे तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, पर खतरे से आगाह करना मेरा फर्ज था। कर दी ने तुम्हें मेरे लिए अच्छा कर दिया। वो तुम्हें ऐसी दुनिया में लिया है जहां तुम मेरी बात को सुन सको और अपनी समझ सको। तुम मुझे बहुत प्रेम करती हो रूपा। अगर मैं तुम्हें धोखा दे जाऊं तो? ऐसा कहकर तुम मुझे परखना चाहते हो? तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते, ये मेरा विश्वास है। रूपा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, एक ऐसी बात जो मुझे बहुत पहले ही कह देनी चाहिए थी, लेकिन मुझे डर है कि कहीं तुम उसे सुनकर मुझसे नफरत न करने लगो। भला अपने आप से कोई नफरत कर सकता है? तुम मेरे हो चुके हो राम, अच्छे या बुरे जैसे भी, अब और कुछ कहने सुनने को नहीं रह गया, सिर्फ एक बात बाकी है। वो क्या? हमारी शादी।
हाँ राम, तुम्हारे अच्छे हो जाने की खुशी में मैंने एक पार्टी दी। इस घर में पार्टी देने का रिवाज बहुत है। लड़की जब मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है, तुम्हारी मौत आई तो ऊपर भागा है, कहीं भाग में आता तो कोठी के बाहर भागती है, मेरी जान तो बस। देखो धर्मदास, तुम बकबक मत करो, वैसे मेरा दिल घबरा हुआ है। देखो माथे का मेकअप मिट गया। तुम्हारा इश्क सलामत रहे, हम दोनों ही मिट जाएंगे। माथे का मेकअप मिट गया। ओहो, इसका ही मेकअप खत्म हो गया, अब क्या करें? पहले से क्या सांस छूट गया? धर्मदास तुम एक काम करो, वो पास वाली दुकान है ना, बोर करन कंपनी, वो माथे का मेकअप मिलता है, जल्दी जाके ले आओ। तुम होशियारी और देखो दरवाजा बंद कर। अच्छा अच्छा, तबियत बन की भी। क्यों, क्या बात है राम, ऐसे क्यों भागाया? कुछ नहीं, उसकी तबियत खराब है। तबियत खराब है? हाँ, उसे आराम ही करने दो, मैं देखती हूँ। कौन है? मैं हूँ। मैं कौन? तुम्हारी मीना। ठहर ठहर, मैं भी आता हूँ। राम खोलो दरवाजा। राम, नाराज हो गए? हम तो मजाक कर रहे थे। ये तुम्हारे सर में क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, जरा सर में दर्द हो गया इसीलिए यहाँ चला आया। अच्छा तुम आराम करो, मैं तुम्हारा सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ठीक हो जाएगा। आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? ये क्या कर रही मीना, कोई देख लेगा तो क्या समझेगा? इसमें क्या बुराई है, तुम बहुत डरते हो। लो मैं दरवाजा बंद किया। मजाक सुनो तो, अगर तुम्हें ये मजाक पसंद नहीं तो सीधी तरह मेरे साथ नहीं चलेगा। चलो है? मैं धर्मदास। कहाँ चले गए थे यार? कमाल है, खुद ही भेज कर पूछते हो कहाँ चले गए। ये तुम्हारा मेकअप कैसे ठीक हो गया? तुमने जो लाकर रख दिया था। मैं लाया था? हाँ? पागल हो गए हो, मैं तो अभी लेकर आ रहा हूँ। हाँ? तो फिर कौन लाया? हम पर जरूर कोई नजर रख रहा है। हाँ? कौन हो सकता है? बाहर वाला तो होने से रहा, जरूर कोई घर वाला ही है। अब क्या होगा? कुछ समझ में नहीं आता। धर्मदास, तुम छोटे एक्टरों की सप्लाई के दफ्तर में चले जाओ और किस तरह मेरी फोटो उड़ा कर लिया। उससे क्या होगा? अरे वही तो मेरी असलियत का सबूत है, तुम जाकर ले तो आप, बाद में संभाल लेंगे। मैं अभी जाता भी है। वेरी गुड वेरी गुड। मैनेजर साहब, किसने किशन की तस्वीर थी? आप किशन की तस्वीर की बात कर रहे हैं? यहाँ तो किशन ही गायब है। गायब है, कहाँ है? लेकिन बात क्या हो सकती? बात तो कुछ खुफिया ही मालूम होती है। बिल्कुल खुफिया। अभी अभी एक लंबा चौड़ा सा आदमी आया था, किशन की तस्वीर ले गए और कहता था कि मैं खुफिया पुलिस का आदमी। खुफिया पुलिस का आदमी? आपने ये कैसे मान लिया कि वो खुफिया पुलिस का आदमी था? मैं क्या जानू, वो खुद ही कहता था। पक्का होगा? वेरी गुड वेरी गुड। मैं अभी खुफिया पुलिस के दफ्तर में टेलीफोन करता हूँ। मंडी डालिए मैनेजर साहब, खुफिया पुलिस का तो हर मामले ही खुफिया होता है। आप ही चक्कर। अच्छा मैं भागा। भागा, वेरी गुड वेरी गुड। वो देखिए पाठक के पास खड़ा है। बिल्कुल अकेला है। ठीक है, तुम लोग ठीक मौके पर पहुंचाना। अजी आप चलिए तो सही, सब ठीक हो जाए। क्यों बंधु भाई, तो ठीक है चंदो भाई। नमस्ते राम बाबू, आप ही की तलाश कर रहा था। फरमाइए। सोचा थोड़ी वर्जिश हो जाए। आपको क्या? बड़ा अच्छा ख्याल है, मुझे क्या एतराज हो सकता है? तो आपको कोई एतराज नहीं ना? अच्छा तो आप लड़ने के इरादे से आए हैं? माफ कीजिए, मैं नहीं लड़ना चाहता। लड़कियों में मेरी बेइज्जती करना चाहते हो?
मगर उसका नतीजा भुगतना नहीं चाहते हैं। हिम्मत बाबू, वर्जिश का शौक पूरा हो गया या? बस बस, तुम थक गए होगे। राम, मैं तुम्हारी लड़ाई देख रहा था। मुक्केबाजी में तुम काफी होशियार हो। मुझे नहीं मालूम था कि रूपा ने तुम्हें इस कदर सिखा दिया है। मुक्केबाजी का तो मुझे बचपन से ही शौक था। मेरा ख्याल था बचपन में तुम्हें कोई बात याद नहीं। सिर्फ एक दो बातें याद हैं, शौक की वजह से। धर्मदास? धर्मदास? उन्हें शायद पहुंचने में देर हुई होगी। ये तस्वीर तो आपका ये दास लाया है। एक एक्स्ट्रा की तस्वीर थी, तुमसे मिलती जुलती थी। मिलने आया, मेरे पास कुछ और भी तफसील है। कहता है कि नाम किशन, उम्र 25 साल, माथे पर जख्म का निशान, मुक्काबाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी का काम नहायत आला करता है। आखिर इन सब बातों से आपका मतलब क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना क्या चाहता हूँ, असली राम कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। राय का टट्टू, तू मुझे धोखा नहीं दे सकता। बोल। मैं सच कहता हूँ, मुझे असली राम का पता नहीं। यू सीधे रास्ते पर नहीं आएगा क्यों? राम, 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 गजब हो गया। कोई उल्लू का पट्टा वहां से तेरी तस्वीर उठा कर ले गया। जो हुलिया बताया उससे तो मेरा शक तेरे चचा पर जाता है। कम वक्त मिल जाए गला घोट दूंगा। धर्मदास जी, मैं हाजिर और मेरा गला भी। शौक फरमाइए। धर्मदास, इन्हें सब कुछ पता चल गया है? यानी? जी हाँ, और इसकी सजा है 7 साल कैद, और वो भी सख्त। असली राम कहाँ है? असली राम तो है 3 साल की उम्र में पर गया था। और तुम इतने सालों से मुफ्त के 500 रुपए महीना खाते रहे? गलती हो गई दीवान साहब, ये सब पापी पेट के लिए करना पड़ा। दीवान साहब उसे घेरना भी थी, जो भी सख्त से सख्त सजा देनी हो खुद दे दीजिए। तुम्हें बता, तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? मुझे तो माफी कर दीजिए। खड़ा हो, ये भी कर सकता हूँ लेकिन एक शर्त है। मुझे आपकी 1000 शर्तें मंजूर है। शर्त तुम्हारे साथी पर है। कोई बात नहीं, ये भी आप ही का बच्चा है। शर्त ये है कि ये तुम्हारा राम यानी किशन
रूपा को यकीन दिला दे कि इसे उसके साथ कोई प्यार व्यार नहीं है, ये उसे बिल्कुल नहीं चाहता। ताकि आप रूपा की शादी हिम्मत राय से करके पूरी जायदाद पर कब्जा कर सकें। आदमी होशियार हो। मगर ये मैं हरगिज नहीं करूंगा। अरे तेरा तो बाप ही करेगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। भाड़े पर आया और आशक बन बैठा। सोच लो, मैं तुम्हारे जाप यहां करूंगा, वरना वरना साथ साथ। अबे क्या सोच रहा है, कैद होने की सलाह है, भगवान ने बचने का मौका दिया है और तू अकल रहा है। धर्मदास, मैं तो बच जाऊंगा, मगर रूपा का क्या होगा? वो लोग सिर्फ उसकी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं। जायदाद भी आखिर उन्हीं की है, तेरे बाप दादा का क्या जाता है? नहीं नहीं धर्मदास, मैं रूपा को धोखा नहीं दे सकता। मैं उस पर अपनी असलियत जाहिर कर दूंगा और उसे ये बता दूंगा कि वो किस खतरे में है। बेवकूफ, ये देख कि हम किस खतरे में है। और रूपा को जब ये पता चलेगा कि तू राम बाम नहीं है बल्कि एक बहुरूपिया है, वो भी नफरत करने लगेगी। तुम नहीं समझते धर्मदास, रूपा मुझसे प्रेम करती है और मोहब्बत इंसान से होती है, नाम से नहीं। ठीक है, पर जब तू 7 साल जेल जाएगा तो रूपा को इन बेरियों के पंजे से कौन छुड़ाएगा? भाई दुनिया एक शतरंज है, एक चाल चूकी और बाजी हारी। तो फिर मौके का फायदा उठाओ। थोड़ी देर के लिए रूपा तुम्हें गलत भी समझ सकती है, पर बाद में तो ठीक समझेगी। तुम ठीक कहते हो धर्मदास, तो फिर आओ मेरे साथ। आओ दीवान साहब, ये लड़का अपनी गलती महसूस करता है और आपकी मेहरबानी के लिए शुक्रगुजार है। पूरी ईमानदारी से ये रूपा का दिल तोड़ने को तैयार है। लेकिन धर्मदास, ये सब कुछ तो तुम कह रहे हो, इसका मुंह क्या बंद है? ये बात ये है, कुछ तो ये आपकी धमकी से घबरा गया है और कुछ अपने कारनामों की वजह से शर्मिंदा है। इसे रूपा से बातें करने दो, उसके बाद मेरी गाड़ी तुम दोनों को शहर के बाहर छोड़ाएगी। और ये 500 रखो खर्चे के लिए। लो ये रूपा का किस्सा खत्म करो और निकलो इस कैद खाने से। मगर मैं रूपा से कहूंगा क्या? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। धर्मदास, तुम ही सोचो ना कोई तरकीब। तरकीब मैंने सोच रखी है, ये मीना है ना जो तुम्हारी दौलत के पीछे पड़ी हुई है, इस वक्त इसी को मोरा बना डालो। तुम बुलाओ मैं ना। तुम्हारा खत मिला तो ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई खोया हुआ खजाना मिल गया। वही खजाना संभालने के लिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। मीना, मैं अपनी सारी मोहब्बत तुम्हारे कदमों पर निछावर करना चाहता हूँ। बस राम, बस मुझे यकीन नहीं आता, ये सच है या सपना? ये तो मेरा दिल ही जानता है या फिर भगवान ही जानता है। मीना, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मीना, समझाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे भगवान से ज्यादा तुम पर भरोसा है। राम, मीना, राम हटो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? देखने दो, ये सब मैं दिखाने के लिए ही तो कर रहा हूँ। काश मैं तुम्हें अपना दिल चीर कर दिखा सकता कि सच्चाई क्या है। राम, मीना, राम, मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी। राम, नजर के इशारे हुए जान दीजिए, अजी जान दीजिए। आप मेरे बलम, मैं तुम्हारी हुई, मान लीजिए अजी, मान लीजिए।
इरादा नजर के इशारे हुए जान दीजिए अजी जान दीजिए दिल झूम कर गा रहा है जीने का फिर से मजा आ रहा है नजर के इशारे हुए जान दीजिए अजी जान दीजिए पहले मैं पागल था लेकिन आज मेरे रुपए के लिए ये सब लोग रूपा तुम यहाँ क्या कर रही हो रुक क्यों गए राम कुछ बाकी रह गया हो तो वो भी कह डालो रूपा उस रोज भी शायद तुम मुझसे यही कहना चाहते कह क्यों नहीं दी कि किस जन्म का बदला लिया है राम अगर तुमने मुझे इतना ही नहीं समझा था तो मेरे जज्बात सिखलने की क्या जरूरत है प्रेम का ढोंगरा चाने की क्या जरूरत तो अच्छा था मेरा गला घूमते थे मुझे चार से मार जाते लेकिन ये न करते आज तुमने किया है क्यों राम क्या सोच रहे हो सोच रहा हूँ मीना जी चाहता कि मैं यहाँ से कहीं भाग जाऊँ तुम चलोगी मेरे साथ क्यों नहीं जहाँ तुम जाओगी वहीं जाऊंगी तुम्हारे साये की तरह तो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ राम राम दीवान साहब ने हमारे लिए महाबलेश्वर में नहायत खूबसूरत बंगले का इंतजाम किया है क्यों नहीं अगर दीवान साहब ही अपनों का ख्याल नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा मैंने सब कुछ दीवान साहब को बता दिया है पहाड़ से लौटते ही ये हमारी शादी का इंतजाम धूमधाम से करेंगे अगर लौटे तो क्या मतलब कुछ नहीं हो सकता है कि आप शादी पहाड़ पर ही कर ले हाँ धूमधाम करने के लिए शायद फिर मैदान में आना पड़े दीवान साहब हो सके तो ये गाड़ी इधर दहेज में दे देना अच्छा धर्मदास जी आइए बैठिए चलो आओ चलो बातचीत में कोई कमी ना हो बनकर चलो चलो छोड़ो मुझे ये क्या बदतमीजी है आप इन पर क्यों नाराज हो रही हैं ये तो अपना धर्म निभा रहे बको मत मुझे इन बदमाशों के साथ क्यों बंद कर रहे हो
मैंने क्या बिगाड़ा है? ये सब भेज जाने के बाद तुम्हें कैसे छोड़ दें? ये ठीक कहा रथुराम जी। चलिए करोड़पति जी महाराज, क्या सोच रहे हो? चलो मैम साहब। मैं नहीं जाऊंगी। तुम कैसे नहीं जाओगी? पुलिस पुलिस, अरे कोई बताओ बताओ, छोड़ मुझे। ज्यादा चिल्लाइए नहीं, कहीं कीड़े इकट्ठे हो जाए। चलो 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 चलो। अरे इधर नहीं, इधर कमाले पहलवान, नाच खूब मार दो, कथा मुझे कह दो है। वाह, बंगला अच्छा है, सजा तो भुगतेंगे मगर आराम के साथ। चुप रहो, मैं मुफ्त ने मारी गई, तुम दोनों धोखेबाज हो। अच्छा आप चुप रहिए ना देवी जी। आप बुरा नहीं मानती, ये आपको देवी जी कह रहा है। चुप रहो जी, तूने ही मुझे बर्बाद किया है, न तू इसे झूठा करोड़पति बनाता न मेरी ये हालत होती। चलो मैं बुढ़ा ही सही, पर तुम तो जवान हो, खूबसूरत हो, तुम ही से सच्चा करोड़पति बना। देखो ना, मैं तो उस घड़ी को रो रहा हूँ जब तुमसे मेरा वास्ता पड़ा था, न जाने बेचारी रूपा का क्या होगा। नहीं होगा तो कोई और होगा।
मैं तुम्हारी दिल की हालत समझता हूँ, लेकिन देखने से फायदा क्या है? बैठो। शैतान की परछाई के साथ कोई इंसान अपनी जिंदगी बिता नहीं सकता। जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई सहारा होना ही चाहिए। सहारों की जरूरत जिंदों को होती है, मुर्दों को नहीं। कैसे बच्चों की बातें कर रही हो? खैर, ये उम्र ही ऐसी है जब इंसान तिल का पहाड़ बना लेता है। बेटा, अगर मेरी मानो तो तुम शादी कर लो। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? अपने साथ एक और जिंदगी बर्बाद करो? रूपा, ये जिंदगी ऐसी भी है जो तुमसे शादी करके आबाद हो सकती है। शायद मेरे मुंह से ये बात अच्छी ना लगे, हिम्मत तुमसे बहुत प्यार करता है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों शादी के बाद बहुत सुखी होगे। और मुझे एक और खुशी होगी, तुम दोनों मेरे सामने रहोगे। चाचा, मुझे हिम्मत बाबू की बहुत इज्जत है, पर मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। जिसे हृदय स्वीकार नहीं करता उससे विवाह करने से क्या फायदा? भगवान के लिए इस बात को यही खत्म कर दीजिए। मेरा ख्याल था तुम सुखी रहती। खैर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये सब देख रहे हो पिताजी? इस दफा भी वही पिछले साल वाला नाच होगा? नित्य शाला वालों को मैंने कहा है इस बार फिर वही नाच दिखाए। और हाँ, तुम्हें वो गाना तो याद है ना? जी हाँ, क्यों नहीं। देखने वालों थाम लो दिल को, अपना तमाशा शुरू हो गया। हाँ, और तुम्हें ये भी याद होगा कि इस गाने के आखिरी हिस्से में रूपा कुछ लड़कियों के साथ नाची थी इस चक्कर में। जी हाँ जी हाँ। तुम इस गाने के आखिरी हिस्से को गौर से सुन लो। पहले लड़कियों का कोरस, उसके बाद तबले की थाप और फिर म्यूजिक फास्ट। अब सारा म्यूजिक एक दफा और दोहराया जाता है, याद है ना? जी पिताजी। अब इस चक्कर के ऊपर देखो। इतना बड़ा फानूस? यही फानूस हमारी खुली जायदाद को वापस दिलाएगा। वो कैसे पिताजी? पिछले साल की तरह जब रूपा को लड़कियां लाकर इस चक्कर में खड़ा करें, तबले की थाप के बाद फास्ट म्यूजिक पर जब रूपा अपना डांस शुरू करे, तुम फानूस की रस्सी जाकर काट देना। मैं पिताजी? हाँ, रूपा को रास्ते से हटाने का बस यही एक तरीका है। लोग समझेंगे रूपा एक हादसे का शिकार हो गई। बच्ची पर अच्छा कर दीवानी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? रहने दीजिए मेरी बच्ची पर, रहने दीजिए। मैंने सबको सुन लिया। आप उसकी जान लेना चाहती हैं दीवानी? जाओ ज्यादा बड़बड़ की तो मुंह में कपड़े ठोक दूंगा। यहाँ तुम्हारी कोई नहीं सुनने वाला। अरे बड़ी माँ, अरे बेटा, और तुमने कैसे? क्या हुआ? हाँ बड़ी माँ, बड़ी माँ क्या बात है? अब बताओ बड़ी माँ क्या बात है? वो कमबख्त रूपा को मार डालने का कौन हुकूमत रहा है? कह रहा था कि जब रूपा जलसे में नाचे तो ऊपर से फानूस की रस्सी काट दो ताकि वो दब कर मर जाए। उसे बचा लो, उसे बचा लो। तुमसे किसने कहा बड़ी माँ? मैंने अपने कानों से सुना है बेटा। मैं रूपा को बताने जा ही रही थी कि कमबख्तों ने मुझे पकड़ लिया और पकड़ के यहाँ ले आए। उसका क्या होगा? मेरी बच्ची का क्या? फसल लगा रखी है तुम लोगों ने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं अपने राम से बातें करूँ, मैं अपने राम से। तुमको मालूम नहीं क्या कैदी दूसरे से बात नहीं कर सकता? चल ले बुढ़िया, तेरे को दूसरे कमरे बंद करता हूँ। घबरा मत बड़ी माँ। अरे चल ना।
बड़ा बड़ा हाथ बड़ी आई गाली निकालने वाली सर। धर्मदास, रूपा की जिंदगी वाकई खतरे में है, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। जरूर कुछ करना चाहिए, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। नहीं नहीं चाचा जी, मैं इस साल जश्न में हिस्सा न ले सकूंगी, मुझे मजबूर न कीजिए। मजबूर? इसमें मजबूरी क्या बात है? क्या तुम समझती हो मैं जश्न दिल से मना रहा हूँ? पत्नी, तुमने तो मुझे पिताजी की आखिरी इच्छा बताई थी कि उनकी मृत्यु के बाद ये ठाट बार जश्न सब वैसे ही रहने चाहिए, इसीलिए मनाते हैं। अगर तुम ये समझती हो कि जश्न न मनाने से उनकी आत्मा को दुख नहीं होगा तो नहीं मनाएंगे। नहीं नहीं चाचा जी, पिताजी की आत्मा को सुख पहुंचाने के लिए मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ, लेकिन चाचा जी मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं की। घबराओ मत, मुझे मालूम है, मैंने इस साल वही प्रोग्राम रखा है जो पिछले साल था। अच्छा चाचा जी। क्यों पहलवान? क्या बात है भाई, क्या कुछ बीमारी फैल रही है? कल तो आप लोग चार थे, आज दो ही रह गए। क्या तुम लोगों को मालूम नहीं कल कोठी में सलाना जश्न है, सब लोग उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसा? पर आप लोगों को कोई बुलावा नहीं? अरे क्या बताएं, तुम लोगों की वजह से हमको भी यही रुकना पड़ा। हम लोगों की वजह से और क्या? तो चलो हम भी चलते। जी हाँ, हमें अपनी नौकरी से हाथ जो धोना है। अरे भाई अपनी किस्मत में जश्न वशन कहाँ। अरे पहलवान क्यों उदास होते हो, जब गम है तो क्या गम है, जश्न का इंतजाम यही किए देते हैं। अच्छा हाँ, हाँ, पहले ही से सोच रखा है। मीना कहा है? हो जाए हो जाए, एक सेकंड हो जाए ना। जल्दी करो, 1 2 3 4। ओ मेरी मैना, ओ मेरी मैना, अरे सुन मेरा कहना, हाथों में हाथ चल मेरे साथ, ये चांद रात क्या बात है। ओ मेरी मैना, ओ सुन मेरा कहना, हाथों में हाथ चल मेरे साथ, ये चांद रात क्या बात है। ओ मेरी मैना, ओ सुन मेरा कहना, हाथों में हाथ चल मेरे साथ, ये चांद रात क्या बात है। ओ मेरी मैना, बहारों ने छेड़ा है प्यार का तराना, के अब जाके आया है रंग पे जमाना, कसम है न ऐसे में तू रूठ जाना। ओ मेरी मना, ओ मेरी मैना, अरे सुन मेरा कहना, हाथों में हाथ चल मेरे साथ, ये चांद रात क्या बात है। ओ मेरी मैना, गलियों से दूर कहीं जाए। अरे क्यों भाई, आबादल की गलियों से दूर कहीं जाए, सितारों को धरती का प्यार देते आए, वहीं पे मोहब्बत का आगिया बनाए। ओ, ओ, ओ मेरी मना, ओ मेरी मना, अरे सुन मेरा कहना, हाथों में हाथ चल मेरे साथ, ये चांद रात क्या बात है। ओ मेरी मना, सुना है सितारों के पार्क जहाँ है, यहाँ जो नहीं है
वो सब कुछ वहाँ है, वही तेरी मंजिल वो तेरा जहाँ है। ओ मेरी मैना, ओ मेरी मैना, अरे सुन मेरा कहना, हाथों में हाथ चल मेरे साथ, ये चल रात क्या बात है। ओ मेरी मैना, ओ मेरी मैना, अरे सुन मेरा कहना, ओ मेरी मैना, उड़ गई मैना, आजा मेरी मैना, कहाँ गई मैना। कुछ नहीं, हम तो अपने रास्ते जा रहे हैं। पर तुम्हें किस तरफ जाना है? उस तरफ। तू जाओ फिर, जाओ ना, जाओ। आइए हवलदार साहब। चल दीवान साहब को इनकी खबर कर दे। अरे मरने का इरादा है क्या? दीवान साहब को मालूम होगा तो खाली खींच लेंगे, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, जो होगा देखा जाएगा। ला निकाल। तमाशा शुरू हो गया, देखने वालों हम लो दिल को अपना तमाशा शुरू हो गया। उसने ने हंस कर थोड़ी कयामत, फिर से वो किस्सा शुरू हो गया। Oh,
क्या उनका शबाब नशा, मेरी वफा का उनको पता क्या उनका शबाब नशा, उनका जमाना महफिल भी उनकी, किसे करूं मैं खिला किसे करूं मैं खिला। देखने वालों हम लो दिल को अपना तमाशा शुरू हो गया, उसने हंस कर थोड़ी कयामत फिर से वो किस्सा शुरू हो गया। थोड़ा रात जरा सी चांद बिखलने को है, वक्त है थोड़ा रात जरा सी चांद बिखलने को है, अब दिल नादा होश में आ जा चालो वो चलने को है, चालो वो चलने को है। देखने वालों हम लो दिल को अपना तमाशा शुरू हो गया, उसने हंस कर थोड़ी कयामत फिर से वो किस्सा शुरू हो गया। क्या कोई तो रोके और बता दे मैं कहने आया था क्या, वो तो है नादा समझे न समझे क्या है इशारा मेरा, क्या है इशारा मेरा। देखने वालों हम लो दिल को अपना तमाशा शुरू हो गया, उसने हंस कर थोड़ी कयामत फिर से वो किस्सा शुरू हो गया। भगवान का शुक्र कीजिए। आप क्या करते हैं? आप कौन हैं? मैं यहाँ का पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। बात यह है, दीवान साहब ने आपकी जान लेने की तरकीब कुछ इस ढंग से सोची थी कि ये एक हादसा नजर आए।
रास्ते जी मेरी जान लेना चाहते और वो भी इस ढंग से कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। तो इंस्पेक्टर साहब अब तो आपको यकीन हो गया कि शराफत के रूप में शैतान भी हो सकते हैं। बकवास। कौन तुम? मुझे नहीं पता, मैं हूं आपका गुलाम। राम नहीं किशन, इंस्पेक्टर इसे गिरफ्तार कर लो, ये बहुत खतरनाक आदमी है। लेकिन आप कम इंस्पेक्टर, इस भैरूपी ने अपने आप को मेरा मरा हुआ भतीजा जाहिर किया ताकि मैं जरा हड़प कर सके। जी मैं क्या सुन रही? हाँ रूपा, मैं राम नहीं किशन हूं, एक मामूली इंसान जो पेट की खातिर सबको धोखा देता रहा। लेकिन ये सब तुमने क्यों किया राम? चंद नोटों के लिए, वसीयत के बाद मैं जाने ही वाला था लेकिन इन लालची भेड़ियों ने तुम्हें घिरा हुआ पाया। दिल ने आवाज दी और मैं रुक गया। जी मैं क्या सुन रही हूँ? हाँ रूपा, मीना के साथ प्यार का ढोंगी मुझे तुम्हारे चाचा के हुक्म से ही करना पड़ा। मैं मजबूर था, तुम्हारा दिल तोड़ने से पहले मुझे अपने दिल के टुकड़े करने पड़े। रूपा अगर तुम मुझे माफ कर दो तो मैं कानून की दी हुई हर सजा खुशी से झेल सकूंगा। इंस्पेक्टर साहब मुजरिम हाजिर है। मुजरिम? मुजरिम कौन है और कौन नहीं ये पता लगाना हमारा काम। क्या मतलब? मेरा मतलब अभी आपकी समझ में आ जाए। चलाओ भाई फिल्म। डायरेक्टर साहब इन्हें भी साथ साथ समझाते जाइएगा। क्या ये वही फिल्म है जो मैंने आपको दी थी? जी हाँ। ओ आई सी। आज से 5 बरस पहले मैं कुल्लू की वादी में दरिया के किनारे अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहा था। हीरोइन की खुदकुशी का सीन था, वो पानी में कूदने के लिए पुल पर पहुंची। वो पानी में कूदने ही वाली थी कि अचानक उसकी चीख निकली। हम सब लोग घबरा कर जब नजदीक पहुंचे तो देखा कि पानी में एक लाश दरख्त के तने के साथ अटकी हुई है। हमने झट से उस लाश को बाहर निकाला। देखने तो मालूम हुआ अभी कुछ जान बाकी है। हम लोग फौरन से अस्पताल ले गए, उसकी जान तो बच गई लेकिन वो अपने बारे में कुछ बता नहीं सका। डॉक्टरों का कहना था कि सर पर चोट आने की वजह से वो अपनी यादाश्त खो बैठा है, इसलिए मैं उसे साथ तुम पहले आया और मैंने ही उसका नाम किशन रखा। और इत्तेफाक से ये कैमरा बंद करना भूल गए जिससे ये तमाम मंजर फिल्म पर उतरा है। और हमारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला है कि वो आदमी जिसे डायरेक्टर साहब ने बचाया राम ही था, जिसने कुछ देर पहले दरिया में छलांग लगाई। पिताजी ये सब बकवास है, बिल्कुल बकवास है। राम बचपन से मेरे साथ खेला, मैं उसे। इंस्पेक्टर साहब आपको मालूम है उसके सीने पर जंग से ही काला दाग है। मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी किया देता हूं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, शक्ल मिलने से कुछ नहीं होता। राम रूपा मेरे लिए तो तुम पहले भी राम थे और आज भी राम। मेरे दिल ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया राम। रूपा कहीं मत बाबू, हो गई आपकी तसल्ली। चलिए दीवान साहब। राम भैया मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बचाओ। देखने वालों थाम लो दिल को, अपना तमाशा शुरू हो गया।
देखने वालों हम लो दिल को अपना तमाशा शुरू हो गया। उसने हंस कर थोड़ी सयामत